अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं टेस्ट मास्टर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बारे में बात करेंगे और ये 2009 का पेपर है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर वैकेंसीज़ के अंदर टेस्ट लिए जाते हैं वो पास्ट पेपर के अंदर से एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं। तो ये इसी तरह की ये एक पेपर है और जो आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगा। तो नंबर वन पे है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसुलेशन विद द डैश इज़ अ कॉम्पिटेंट टू मेक एनी ऑर्डर फॉर द पर्पोज ऑफ रिमूविंग एनी डिफ़िकल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ नैब ऑडियंस। तो इसका जो आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर टू है, नैब ऑडियंस शैल कम इन टू फोर्स एट वंस एंड शैल बी डीम्ड टू हैव कम इन टू द फोर्स फ्रॉम डैश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 जनवरी 1985। क्वेश्चन नंबर थ्री है, नैब ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 16, 1999। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 वाज प्रोमिगुलेटेड बाय डैश। तो इसका आंसर है परवेज़ मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द चेयरमैन नैब मे रिसाइंड हिज फोर्स बाय रिटिंग अंडर द हेड एड्रेस टू प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एज एन वैन द चेयरमैन नैब इज़ एबसेंट फॉर द अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी रीजन्स वट एवर डैश विल एक्ट एज द चेयरमैन नैब। तो इसका जो आंसर है वो है डिप्टी चेयरमैन नैब। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हु अपॉइंटेड प्रोस्पेक्टर्स जनरल अकाउंटेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेयरमैन नैब। क्वेश्चन नंबर एट है, हु गिव्स एडवाइस द चेयरमैन नैब अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल करेक्टर्स एज मे बी रेफर्ड ऑन असाइन टू हिम बाय द चेयरमैन नैब एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑडियंस एंड ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोस्पेक्टर जनरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। दोस्तों ये ज़्यादातर जो एम सी क्यूज इसके होते हैं इसके नैब के, वो नैब के ही मुतल्लिक सवाल उनके बारे में पूछे जाते हैं और ये उन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं पास्ट पेपर के अंदर से। तो नेक्स्ट है, इन कंसुलेशन विद द अटोरी जर्नल ऑफ पाकिस्तान में विद प्योर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन नैब अपॉइंट स्पेशल प्रोस्पेक्ट टू कंडक्ट प्रोसेक्शन ऑफ स्पेसिफिक केस। तो इसका आंसर है प्रोसेक्टर जर्नल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, हेडक्वार्टर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज़ एट। तो जो इनका हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 16, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द चेयरमैन इज़ द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन द सर्वर फॉर द टर्म ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द प्रोस्पेक्टर जनरल इज़ द हेड ऑफ द प्रोस्पेक्टर एंड सर्व ऑफ़ द टर्म ऑफ। तो जो प्रोसेक्टर जनरल होता है वो 3 साल सर्व करता है इस टर्म के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हु मे इम्पोज अदर कंडीशन फॉर रिलीज फ्रॉम कस्टडी ऑफ डेटेनेशन। तो इसका आंसर है चेयरमैन नैब। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अमाउंट डिपॉजिट बाय द अक्यूज्ड बाय द नैब शैल बी ट्रांसफर टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ और एज द केस मे बी अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द कंसर्न बैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ETC विद इन डैश ऑफ द डेट ऑफ सच डिपॉजिट। तो ये है एक मंथ के अंदर इनकी ड्यूरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ द करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस शैल बी दी पनिश्ड विद द इम्प्रोजमेंट ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू। तो ये एक्सटेंड होता है 14 ईयर और विद फाइन और विद। क्वेश्चन नंबर 70 है, एज पर्सन एनी पर्सन गिविंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन और बेंटिंग असिस्टिंग और एडिंग अ होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस
or receiving or holding any property obtained or acquired by a holder of the public office through corruption or corrupt practice, or being a beneficiary of any asset, property, or gain obtained through corruption or corrupt practices, shall fall within the scope of this section and shall be labeled to the same or the lesser punishment that may be awarded to a holder of a public office as may be demanded fit by the court NAB. दोस्तों ये बहुत ही लेंथी एम सी क्यूज़ है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने भी मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस इज सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और नॉट सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट इज इम्पोज, द अमाउंट ऑफ द फाइनल शैल इन नो केस बी लेस देन द गेन रिवर्ड बाय द अक्यूर्ड और एनी रिलेटिव और एसोसिएटेड विद मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डैश. तो इसका आंसर है फॉर फाइट ऑफ और फ्रोजन एसेट बाय द प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश ड्राइंग अ पर्सन फॉर एनी ऑफेंस एज स्पेसिफाइड अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे एट एनी टाइम इफ देयर अपीयर्स रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड फॉर द बिलीविंग दैट द अक्यूर्ड assured as committed such offensive order the freezing of his property movable or immovable or part thereof whether in his possession or in the possession of any relative associated or person on his behalf. तो इसका आंसर है कोर्ट नैब एंड चेयरमैन नैब, बहुत ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फ्रोजन अंडर सच सेक्शन ए इज अ डेबिट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द फ्रीजिंग मे बी मेड. सो फ्रीजिंग मे बी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फ्रोजन इज इमूवेबल द फ्रीजिंग शैल इन द केस लैंड प्लेइंग रिवेन्यू बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल केस. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फ्रोजन कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक ऑफ एन अप्रिशिएट नेचर डैश में इट इज डी मैस प्रॉपर्स एंड एक्सपेंडियंट ऑर्डर द इमीडिएट सेल देयरफॉर एंड द प्रोसीडेड ऑफ द सेल मे बी डिपॉजिट विद द चेयरमैन नैब और कोर्ट. तो इसका जो आंसर है वो है नैब ए, बोथ ए एंड बी, कोर्ट नैब एंड चेयरमैन. और ये बाकी क्वेश्चन भी 24 तक इसी तरह हैं. और नेक्स्ट जो है 26, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान थे वो थे लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान. क्वेश्चन नंबर 27 है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑयल फॉर द फूड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री. तो ये थे इराक. क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज. तो ये थे रन आर एन टैगोर. क्वेश्चन नंबर 29 है, मस्जिद वजीरा खान इज लोकेटेड इन. तो ये लाहौर के अंदर लोकेटेड है. तो पाकिस्तान ने व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 के अंदर जीता था. क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड. तो ये बहुत ही फेमस किंग थे, तो ये थे कुतुबुद्दीन अबेक. क्वेश्चन नंबर 32 है, पीरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन. तो ये रिपोर्ट 1938 के अंदर पब्लिश की गई थी. क्वेश्चन नंबर 33 है, डिवास कप इज एसोसिएटेड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम. तो ये टेनिस के अंदर डिवास कप दिया जाता है. तो एक और कप है जिन्हें द फेमस बुक द जिना ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय. तो ये फेमस बुक का नाम था स्टैनली वॉलपर्ट. क्वेश्चन नंबर 35 है, द फेमस बुक द ऑर्गन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय. तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है. क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप्स. तो इसके अंदर राइस जो चावल है वो खरीफ क्रॉप्स है. तो क्वेश्चन नंबर 37 है, माउंट ब्लैंक माउंटेन इज प्रेजेंटेड इन. तो ये फ्रांस के अंदर है. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, द आईफल टावर इज लोकेटेड इन. ये फ्रांस के अंदर है, स्विट्जरलैंड.
आईफिल टावर फ्रांस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, तो ये भी फ्रांस के किंग थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच ईयर्स डेजाज बैटल बीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर वाज फाउट, तो ये 1712 के अंदर ये जंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, और इस जंग के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतेह किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज, तो ये मारियाना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 है, फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड, तो ये है बोथ ए एंड बी, एलोट्रोफोबिया एंड एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चौधरी रहमत अली इन 1933, 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने अपना पाकिस्तान मूवमेंट एस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस इन, तो ये थे नैन्सी पालियोसी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, तो यूएसए की जो सबसे बड़ी स्टेट है वो है अलास्का। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये है फहमीदा मिर्ज़ा जो पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेम द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन द दिसंबर 14, 1911, तो ये वाज रोनाल्ड एम्यूडसन। क्वेश्चन नंबर 49 है, रोनाल्ड एम्यूडसन बिलोंग टू, तो ये नॉर्वे से तल्लक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कौन सी गैस थी जिसको एज अ केमिकल वेपन जंग के अंदर जो वर्ल्ड फर्स्ट वार हुई थी उसके अंदर दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, तो वो थी मस्टर्ड गैस। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाती है, बाकी के 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें।